तो फ्रेंड, जैसे कि मैं अष्टमी का फास्ट रखती हूँ एवरी मंथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने माता रानी का श्रृंगार थोड़ा सा नए स्टाइल में मतलब चेंज कर लूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने थोड़ा सा ये सब ये लिया है। जैसे कि लॉकडाउन है तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई, जो भी मेरे पास अवेलेबल था ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इस सब से जो है मैं अपनी माता रानी का श्रृंगार करूँ। मुझे अभी कुछ नहीं पता कि मैं कैसे क्या पहनाऊंगी। ये तो मेरे पास जो था सामान वो मैंने रख लिया है कि इसमें से मैं क्या कैसे एडजस्ट कर सकती हूँ। और जैसे कि बुधवार का दिन है अष्टमी का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ग्रीन कलर की ड्रेस ली जाए, तो मैंने ये ग्रीन कलर की ड्रेस ली है। तो चलिए अब अपनी माता रानी का श्रृंगार करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहती, परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे मेरे से होता है मैं वैसे कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि ऐसे वैसे ये वो, क्योंकि पूजा के मामले में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी माता रानी का श्रृंगार। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कानों में इनको बाली पहना दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये चोकर सेट पहना दिया है, ये बिंदी लगा दी है, और ये पहना दी है मैंने ड्रेस। अब आगे का भी मेकअप मैं करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, इनका जो श्रृंगार है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं इनको ये चोकर हार पहना चुकी हूँ, ये साथ में कानों में बालियाँ पहना चुकी हूँ, बिंदी लगा चुकी हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये तगड़ी पहना रही हूँ मैं इनको, और ये देखिए ये पूरी ड्रेस पहना चुकी हूँ मैं इनको। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने इनको तगड़ी पहना दी है। अब करते हैं इनका आगे का श्रृंगार। तो ये देखिए, ये मैंने इनके लिए रानी हार लिया है, तो ये पहना देते हैं अब इनको। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने कानों में इनको टॉप्स पहना दिए हैं, और ये सारे आप कड़े देख सकते हैं मैंने पहना दिए हैं, और ये नेकलेस पहना दिए इनको सेट, और साथ में ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको ये पायल पहना दिए पैरों में। तो चलिए अब करते हैं हम थोड़ा सा आगे का श्रृंगार। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये जो इनके हेयर्स हैं वो लगा देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने हेयर्स भी लगा दिए हैं। तो चलिए अब इनको पहना देते हैं इनकी नथ। देखिए फ्रेंड्स, ये इनको नथ पहना दिए मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए इनके सर पे, इस बार मैंने पिछली बार मुकुट पहनाया था, आपकी बार मैं पहना रही हूँ ये चंद्रिका। ये कर्णफूल लगा दिया मैंने माता रानी के, आप बताइए कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं तो ऐसे ही श्रृंगार कर रही हूँ जैसे कि माता रानी चाहती हैं करवाना। तो ये देखिए इनकी, ये कर्णफूल पहना दिए हैं मैंने इनको, तो बहुत ज़्यादा रूप आया माता रानी पे, आप लोग बताइए देखिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे अस्त्र दे दिए मैंने माता रानी को। अब मेरे ख्याल से सब कुछ तैयार हो चुका है, तो चलिए अब इनकी चुन्नी उड़ा देते हैं माता रानी को। ये देखिए मेरी माता रानी का फाइनल लुक, आप बताइए ग्रीन कलर की ड्रेस में मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे तो सुंदर लग रही हैं, आप बताएं। तो ये है इनकी ग्रीन ड्रेस में माता रानी की फाइनल लुक। पूजा हो चुकी है और अब सोचा कि थोड़ा सा कुछ नाश्ता पानी ले लें। फ्रेंड्स, ये उबाल रही हूँ मैं अपने लिए दूध, और साथ में ये लिए मैंने थोड़े से आलू, मेरे अलावा और लोग भी ले लेंगे, तो मैंने सोचा इनको थोड़ा सा तल लेती हूँ। तो चलिए दूध और आलू ले लेते हैं साथ में और स्टार्ट करते हैं अपना फास्ट। देखिए मेरे आलू तल चुके हैं, और थोड़े से मैं यहाँ सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो थोड़े से रोस्ट कर रही हूँ, ताकि मैं इनकी मतलब खट्टी मीठी सी नमकीन बना सकूं, क्योंकि मैं फास्ट में बाज़ार की नमकीन चिप्स वगैरह नहीं खाती। तो इसको रोस्ट कर लूँगी मैं थोड़ा से अपने मखानों को और इन सारे नट्स को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने डाल दिया, और इसको हल्का सा मैं रोस्ट करके अब इसमें डाल दूँगी अपना व्रत का सेंधा नमक। ये देखिए, ये है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेते हैं हम भोग। फ्रेंड्स, ये देखो स्वीट मॉम रेस्ट कर रही है, हिटलर फादर। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने लड़के को काम करना सिखा रही हूँ ताकि जो जेंट्स आगे चल के काम नहीं करते, जब उनको शुरू से ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, वो आगे चल के कैसे काम करेंगे। सही बात है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने बच्चों को, अपने बेटों को चेंज करिए। हाँ, तो ये क्या लेडीज के हाथ में है ये चेंज करना। तो अब अगर हम लड़कों को काम करना सिखाएंगे, उनको किचन का काम करना सिखाएंगे, तो वो आगे जाके अपनी वाइफ की हेल्प करेंगे, तो जनरेशन धीरे धीरे बदलेगी।
हिटलर फादर रेस्ट कर रहे हैं अभी अभी। अच्छा। इनकी मॉम को बोल के आती हूँ कि काम सिखाए। वो तो सिखाने की उम्र हिटलर माँ बेटी हिटलर फ्रेंड्स। वैसे हमारे घर में हिटलर फादर भी सच में बहुत काम करते हैं। चलो अब मैं हिटलर कहाँ से हुआ? हिटलर तो नाम रहेगा ही रहेगा। वो तो हिटलर फ्रेंड जी मेरा भाई बना रहा है सैंडविचेस। तो ये इधर सीख रही है टिक्की मकेन्स वाली, तो ये अच्छे से सीख जाती है इसमें। और इधर कट रही है प्याज जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब चीज स्लाइस डाल के खाएंगे टिक्की सैंडविच ब्रेकफास्ट में। और साथ में मैं सोच रही हूँ कि चाय भी पी लूं, बट मम्मी को पीना है मैंगो शेक। तो चलिए यस। भाई ने बना लिया नाश्ता? बन रहा है, टिक्की तल रही है। मैंने सोनिका को भी बुला लिया, मैंने कहा आजा बहन नाश्ता कराऊं, मेरा भाई बना रहा है। ऊपर वालों ताई को भी बुला लूं, ऊपर वालों को देखिए चाय पिला दो, मुझे तो चाय बहुत ठंडा ठंडा मौसम है फ्रेंड। इतनी प्याज लूटी है ना ऊपर वालों की, अब ऊपर वालों के नाम ब्रेकफास्ट के नाम पे मम्मी ने हाँ नहीं किया कि हाँ बेटा बुला ले। अरे वो कहा ये सब खाते हैं, वो खा चुके हैं। तू चाय बना बना मेरे लिए स्वादी सी। फ्रेंड्स मौसम देखो, काफी लोगों ने हमें कमेंट करके बोला है कि आप अपना मतलब टेरेस व्यू दिखाइए। यार सबसे पहली बात तो हम अपर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और हमारी जो ऊपर टेरेस है वो हमारी नहीं है, वो किसी और की है। जिसका टॉप फ्लोर है वो उसी की टेरेस है, तो वो हमारी टेरेस नहीं है। बट कोई नहीं, कभी हम लोग ऊपर जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर जाते नहीं क्योंकि हमारा सबसे नीचे है तो ऊपर नहीं जाना होता हम लोगों का, तो इसलिए हम लोग ऊपर नहीं जाते। बाकी आप लोग देख सकते हैं बारिश बारिश बारिश। आई होप कि जितने भी लोग बाहर हैं स्ट्रीट पे रहते हैं स्ट्रीट पे सोते हैं तो वो सेफ रहें। फ्रेंड्स ये देखिए सैंडविच हो चुका है रेडी, चीज स्लाइस टिक्की प्याज और ओरिगैनो मसाला। और ये इधर हिटलर फादर जी का सैंडविच हो चुका है रेडी जो कि मैंने किया है। हमको फ्रेंड्स मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। तो फटाफट से खाते हैं, आई कांट वेट टू हैव दिस। बाय मम्मी। यार आप जाके सो जाओ, आपको नींद आ रही है। परेशानी है, पहले मैं चाय पीऊंगी। चाय मैंने अभी तक, अभी तो तूने आम खाया। तुम एक बात बताओ, मुझे परेशानी बताओ अपनी। ज्यादा बोलोगे ना तो आम और चाय एक साथ खाऊंगी, एक बुड़की आम की और एक सिप चाय की। तो यही करके दिखाइयो अब तू। हाँ यही करके दिखाऊंगी। अभी ज्यादा परेशानी है, खाने पीने से डॉक्टर को कौन से 5 दिए हैं पापा को? 5-6 इन्फेक्शन आए थे। और अभी तुम्हें पता है अभी चाय मिल गई, अभी तो ये कह रही हूँ मैं, एक घंटे हिलेगी, हिल हिल के टूट टूट जाकर रसोई में जाएगी, फिर अंदर बैठ जाएगी कि अभी मेरा मूड नहीं है, जाएगी गैस पे चाय रखेगी सिम कर देगी, रहेगी एक घंटे तक सिम सिम पे पकेगी, शाम के 5 बज जाएंगे। तो आम और चाय में 3-4 घंटे का डिफरेंस तो हो जाएगा ही हो जाएगा। तो सुबह उठते ही कह दिया अगर चाय पिला दे दीक्षा, सुबह वो उठे भी तो सही, किसको कह दूं तो कह दे ताकि दोपहर तक मिल जाए। अब मेरे को शाम को चाय मिलेगी, आपसे कहना शुरू करूंगी तुम पहले अड़ जाओ, आम खाया आम खाया, हाँ खाया है, अड़ो सुबह का कर शाम तक 6 बार चाय मिल जाएगी। मैं आम के साथ चाय पीऊंगी। और पियो जरूर पियो। हाँ पीऊंगी। और उसमें बर्फ डाल के पियो चाय। हाँ पीऊंगी। बर्फ भी डालियो चाय में। हाँ डालूंगी। मिर्च मसाला लहसुन अदरक सब कुछ डालियो, सब कुछ डालूंगी। आज मेरा व्रत है अदरक लहसुन लहसुन नहीं डालूंगी। नहीं नहीं डाल लियो, मिर्च भी डालूंगी व्रत में, मैं मिर्च नहीं खाती क्योंकि। और नहीं तो वैसे तो डाल के खाएगी तू चाय में। हाँ खाऊंगी, जो चीज तुम मना करोगे वो करूंगी। फ्रेंड्स अल्टीमेट कोल्ड कॉफी मिली है, भाई ने बना के दिया विद आइसक्रीम। एंड कभी भाई को मैं पिलाती हूँ, कभी भाई मुझे पिलाता है, कभी भाई को मैं खिलाती हूँ, कभी भाई मुझे खिलाता है, यही चलता रहता है हमारा। पेट में जगह ही नहीं है। अरे चीनी मत डाल यार। फ्रेंड सारी नीचे की चीनी चीनी डाल दी इसने, भाग गया। बाबे जे चाय पी लो। फ्रेंड जेठानी को बुला रही हूँ मैं चाय के लिए, लेकिन वो नहीं आ रही है चाय पीने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही पी लेती हूँ। अपनी अपनी किस्मत है, जिसके भाग में चाय होगी। चाय 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 चाय, तू भी क्या चीज है, एक बार पीऊं तुझे लगता क्यों मुझे, बार बार पीऊं तुझे चाय 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 चाय। फ्रेंड्स चाय।
फ्रेंड्स आज ऊपर वालों से मार रहे हैं हम फ्री में टमाटर, तो ये देखिए ये लेने जा रही हूँ मैं, टोकरी में लटक चुके हैं टमाटर। इतनी बारिश में भी इनको चैन नहीं है हमें टमाटर देने के लिए। ये देखिए अभी आ गई है टमाटर की थैली ऊपर से। कितने रुपए बचाओगे तुम अपने सब्जियों के, सारी भाभी से अपनी ले लेके ऊपर से। फ्रेंड जी के सब चीजों के नोट बचा रखे हैं इन्होंने। लेते हैं अपनी भाभी के ऊपर ऑर्डर कर देते हैं, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए। जैसे कि मेरे को, मैंने आपको बताया कि मेरा अष्टमी का व्रत है, तो मैंने बना ली है फटाफट आलू की सब्जी उबले हुए। और फ्रेंड्स इसके अंदर हम हल्दी नहीं डालते, तो वैसे ये पता नहीं वीडियो में पीली क्यों नज़र आ रही है, पर हम लोग व्रत वाले दिन हल्दी नहीं खाते, अष्टमी के व्रत वाले दिन वैसे खाते हैं। तो ये मैंने आलू की सब्जी बना दी है, इसके साथ बनाऊंगी मैं अपनी कूटू की पकौड़ी। वैसे तो मेरा मन था पूरी खाने का, पर वही है पूरी बना के कौन देगा, बना के रखने पर ठंडी हो जाती हैं, पकौड़ी तो फिर भी खाई जाती हैं। तो चलिए हम अपना फास्ट, तो आलू की सब्जी बनाने से मुझे ये बेनिफिट होता है कि एक ही बार सब्जी बना दी वो सभी खा लेते हैं, तो मुझे अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ता, इसलिए मैं फास्ट वाले दिन आलू की सब्जी बना लेती हूँ और इनके साथ इनकी नॉर्मल गेहूं की रोटी बना दूंगी और मैं खा लूंगी पकौड़ी। फ्रेंड्स दिल्ली में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मुझे सोनिका के घर जाना था किसी काम से, तो और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मेरे को निकलना पड़ा। एंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है इस समय, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और ये बना रही हूँ अपने फास्ट की पकौड़ियाँ। तो मैं ये बनाऊंगी कूटू की पकौड़ी, जिसमें कि मैंने सिर्फ नमक डाला है और वो भी व्रत वाला। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपना भोग तैयार। फ्रेंड्स ये देखिए तैयार हो चुकी है मेरी पकौड़ियाँ, पाल जी की प्लेट। फ्रेंड्स लहसुन का दूध बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने कलियाँ ले ली हैं, तीन चार छोटे छोटे कैप्सूल वाली कली ली हैं। अगर आपका मोटा वाला लहसुन है तो आप एक दो ही लीजिए। मैंने वॉश कर लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा इसको क्रश कर लूँगी, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। दूध के लिए पैन चढ़ा दिया है और क्वान्टिटी मैं बताती हूँ, जैसे कि मेरे को ये एक वाला, ये वाला कप दूध चाहिए, इतना दूध मतलब तैयार चाहिए, तो मैं इसके लिए इतना ही पानी लूँगी एक कप में। और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया पानी को, और अब मैं लहसुन को कूट के इसके अंदर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसमें बॉईल होगा लहसुन। और एक बात मैं बता दूं कि लहसुन का दूध गर्म होता है, तो इसलिए अपनी तासीर देख करके ही लें, जिन लोगों को प्रॉब्लम है गर्मी की या हीट की वो ये ना लें। तो ये अच्छी तरह से इसको बॉयल आएगा, थोड़ा सा पानी कम होगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बॉयल आना शुरू हो गया। अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसी में ही पानी डाल दें, ओ सॉरी दूध डाल दें। देखिए मैं थोड़ा सा रुक के डालूंगी क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाता है और इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता, तो मैं थोड़े से थोड़े से पानी में लहसुन पक जाए ताकि हमें दूध डाल के बहुत ज़्यादा ना पकाना पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर ये देखिए मैंने एक कप ही मिल्क ले लिया है, इसको इसके अंदर हम डाल देंगे। एक कप ही मैंने पानी लिया था इसी मेजरमेंट से और इसी कप से मैं ले रही हूँ दूध। अब हम इसको अच्छे से पका के इसको वन कप बना लेंगे, मतलब कि इस वाले मेजरमेंट के लिए बना लेंगे, इसको इतना पकाना है हमें। तो आप चाहे तो इसको सिम पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप तेज पे छोड़ेंगे तो ये दूध निकल जाएगा। फ्रेंड्स ये किसी भी तरह की ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये मुझे काफ़ी सालों से ये दूध के बारे में पता था। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम मैं लहसुन नहीं खाती थी, तो मेरे को दिक्कत होती थी ये दूध पीने में। लेकिन उस टाइम मुझे अजीब भी लगा जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि दूध ये होता है लहसुन का। तो लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से इसको ले रही हूँ और जैसे कि मेरे ना रात को हाथ पैर सून हो जाते थे सोते हुए, तो उसमें मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो और वैसे भी मैंने इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज़्यादा सुने हुए हैं। तो स्टार्ट किया तो आप लोगों ने बोला, तो मैं इसीलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग देख करके पीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो मैं इसलिए गर्मियों में भी इसको ले लेती हूँ, पर गर्मियों के लिए ये काफ़ी गर्म होता है। ये दूध मेरा पक चुका है, मैं इसको छान लूँगी और छानने के बाद आप इसको पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी या शहद कुछ भी डाल के पी सकते हैं, या आप चाहें तो ये नॉर्मल भी पी सकते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा दूध हो चुका है तैयार। तो ये है लहसुन का दूध, पीजिए और इंजॉय कीजिए।